तो इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है एक स्कूल एंड वहाँ पर एक क्लास में लड़की रहती है एंड उस क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं रहता। वो जो लड़की रहती है डेस्क के पास रहती है, जो अपना सिर रहता नीचे रखकर कुछ सोचने लगती है। एंड देन आगे हम लोग को दिखाया जाता है यार वो किसी लड़के को सोच रही थी एंड उसका वो अपने मन में ही बोलती है कि मुझे लगा था कि यार ये आदमी मेरा एक सोलमेट बनेगा जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी कुछ देर बाद हम लोग को देखने को मिलता है एक टीचर आते हैं पीछे से और बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसका वो जो लड़की रहती है डायरेक्टली उस आदमी को उसके नाम से बुलाती है। उसका जो सेंसर रहता है यानी कि उसके टीचर रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे मुझे क्लास में नहीं बुलाना चाहिए एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ आपसे तुम इसका ध्यान रखना। एंड उसका हम लोग को लड़की दिखाई जाती है जो कि थोड़ा बहुत शर्माने लगती है, तुम लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। एंड वो भी बोलती है अपने टीचर यानी कि सेंसर को कि आपको भी मेरे को नाम से डायरेक्टली ऐसे नहीं बुलाना चाहिए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि ये स्कूल की जगह है। उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि जो हान रहती है वो बताती है अपने मन में, मतलब वो सोच रही थी कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं जब से हम लोग बचपन में यानी कि छोटे थे। एंड बेसिकली कह सकते हो यार वो लड़की छोटी थी एंड वो उसके भैया लगते हैं, रिश्तेदार वाले भैया, रियल भैया नहीं थे। आगे हम लोग को दिखाया जाता है एक टीचर जो कि पीछे से आती है एंड उस टीचर को बुलाती है यानी कि दूसरे टीचर को यानी कि मेल वाले को। एंड तभी हम लोग को देखने को मिलता है वो जो फीमेल टीचर रहती है वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है एंड उसी के नेक्स्ट सीन में जो हाना रहती उसको अजीब नज़रों से देखने लगती है। अब तुम लोग समझ सकते हो यहाँ पर क्या चल रहा है, बट सीरीज़ में हम लोग को सारी चीज़ें और पता चलेगी विस्तार में। आगे हम लोग को देखने को मिलता है दोनों ही आपस में बात करने लगते हैं एंड जो हमारे सर रहते वो थोड़े बहुत शर्माने लगते हैं यहाँ पर। एंड उसका लड़की बोलती है कि हाँ यही एक चारा है जिसको मेरे को हटाना है अपने रास्तों से। उसके बाद आगे हम लोग को देखने को मिलता है जैसे वो जा रही थी वो एक लड़के से टकरा जाती है एंड वो लड़का बोलता है कि मुझे तो लग रहा था कि तुम रोने वाली हो। उसका वो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बेवकूफ़। एंड आगे वो उन दोनों को वापस दिखाया जाता है यानी कि वो दोनों ही टीचर को एंड वहाँ पर तुम देख सकते हो जो टीचर वो थोड़ा बहुत शर्मा रहा था एंड अपने मन में वो जो लड़की यानी कि हाँ ना रहती वो सोचती है कि जो प्यार है वो भी कितना होपलेस है, इसमें दर्द भी मिलता है लेकिन एट दी एंड हम लोग इसमें हार ही जाते हैं। आगे हम लोग को देखने को मिलता है ये जो हाना रहती है वो सारी चीज़ देखते हुए जा रही थी यानी कि जो सीनरी रहती बाहर की। हाना ये भी सोच रहे थे कि यार क्या सेंसे मेरे साथ नहीं हो सकते थे एंड वो जो चुड़ैल है उसके साथ वो क्यों है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि यार वो अपने भाई यानी कि उसी टीचर को सोच रही थी अपने दिमाग में। आगे हम लोग को पास्ट में ले जाया जाता है एंड हम लोग को बताया जाता है कि जब वो जूनियर हाई में थी एंड वहाँ पर कह सकते हो उसका पहला दिन था एंड वो भी उस स्कूल में नहीं थी। तभी हम लोग को देखने को मिलता है वो बताती है कि जो उसका भाई था वो वहाँ पर जॉब करने आता है एंड तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड अब मेरे को अच्छा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि मैं उसको रोज़ देख सकती थी एंड एक तरीके से बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। एंड जैसे ही हम लोग को दिखाया जाता है वो अगले दिन स्कूल में आती, वहाँ पर जो उसके भैया थे वो किसी दीदी यानी कि अपनी एज की लड़की से बात कर रहे थे एंड उसका दिल वहाँ पर टूट जाता है, ऐसा हम लोग को दिखाया जा रहा है क्योंकि सोच रही है सारी चीजें। एंड उसके बाद आगे हम लोग को ये भी दिखाया जाता है कि मैं अपने भाई को बहुत ही बड़े लंबे टाइम से देख रही थी एंड जब मैंने ये सारी चीज देखी तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकती। यहाँ पर गुस्सा मेरे को इस बात पर आता है कि जो मेरा भाई उस लड़की को देखकर इतना अजीब शक्ल क्यों बना रहा था, ये सारी चीजें देखकर मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि क्या वो पागल वागल हो चुका है और उस बुढ़िया में आखिर इसको दिखा क्या था ऐसा जो कि वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो गया, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा अजीब है। आगे हाना ये भी सोचती है एक दिन जब उसके सेंसे आने की भैया उसके घर पर आए थे खाने के लिए एंड वो बहुत ज़्यादा खुश थे बिकॉज वो उसके भाई यहाँ पर आया था एंड वो फिर ये बोलते हैं कि हाना तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेरे से व्यवहार कर रही हो। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि असर में तुम यहाँ पर हो इसीलिए शायद वो ऐसा तुमसे बात कर रही, नहीं तो कोई और होता तो शायद वो गुस्से में अब तक यहाँ से चली भी जाती। एंड उसका वो बहुत ज़्यादा तारीफ भी करता है क्योंकि वो खाना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ मैंने तो मदद की है लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हाना ने भी मेरी मदद करी है खाना बनाने में, लेकिन वो कभी ऐसा करती तो नहीं है लेकिन आज पता नहीं इसको क्या हो गया था, शायद ये कुछ चीज़ें हो सकती है लेकिन जो भी हो मेरे को तो अच्छा लगा क्योंकि मेरे को काम कम करना पड़ा। एंड उसके बाद देखने को मिलता है जो उसके भैया रहते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं एंड जाते हुए हम लोग को दिखाया जाता है कि जो हाना रहते वो लोग भी मतलब साथ में ही जा रहे थे छोड़ने के लिए जा रही थी। एंड वहाँ पर हम लोग को बताया जाता है कि यार उनके घर में आने की वो जो भैया हम लोग को दिखाए गए हैं उनके घर में भी उनके डैड हैं, बस उनकी मॉम नहीं है। एंड इसलिए वो बताते हैं कि हाना तुम्हें अपनी मॉम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि आज के टाइम में क्या हो जाए किसी को भरोसा नहीं है। एंड हाना के भी कह सकते हो डैड नहीं है, ये चीज़ हम लोग को आगे पता चलेगी। एंड ऐसे ही हम लोग को दिखाया जाता है एंड उसके बाद पास्ट में हम लोग को और दिखाया जाता है कि जो उसके भैया रहते वो किसी कॉम्पिटिशन में गए रहते हैं उसके साथ, जैसे कि तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड वहाँ पर उसके दोस्त चिढ़ा रहे थे कि हाना यार तुम्हारा तो कोई मॉम एंड डैड है ही नहीं और ये कौन सा अजीब बंदा है जिसको तुम लेकर आ गई हो। खैर उसकी मॉम तो थी, डैड नहीं थे। एंड उसका वो लड़की बोलती है कि ये चीटिंग है, तुम अपने घर में से किसी को लाना था तुम तो किसी को भी लेते आई हो। एंड उसका वो कस के चिल्लाने लगती है चीटर चीटर एंड जो उस लड़की की मोहम्मद रहती है उसके मुंह बंद कराती है। एंड उसके बाद जो हान रहती है वो बोलती है कि वैसे तुम्हारे शूज भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, ऐसे शूज तो अलाउड नहीं थे एंड तुम बिना स्कूल को बताए ये सारी चीजें कर रही हो, ये तो गलत है। एंड उसका जो लड़की रहती है वही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वहां से चली जाती। आगे हम लोग को दिखाया जाता है जो बेसिकली अपनी हान रहती है वो गुस्सा हो जाती है एंड कहीं पर जाकर बैठ जाती है। फिर वहीं पर कर सकते हो अपने सेंसर आते हैं उसको संभालते हैं एंड बोलते हैं
हैं कि ये सारी चीज चलती रहती है। वो जो लड़की रहती है बोलती है कि जो मेरी मम्मी, उनको कुछ काम था इसलिए वो नहीं आ पाई। उसके बाद जो सेंसर रहते हैं हाना को समझाते हैं कि अपनी मॉम की वैल्यू कभी मत भूलना, क्योंकि मेरी तो मॉम है नहीं तो मैं ये सारी चीजें समझ सकता हूँ। उसके बाद हाना बोलते हैं कि मेरी भी डैड नहीं है तो मेरे को भी थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद जो सेंसर रहते हैं वो बताते हैं कि हाँ मेरे पास डैड तो है लेकिन मेरी मॉम ही नहीं है। एंड ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा अजीब हैं। इसलिए बोलते हैं कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ होती है जिनके बारे में हम लोग को याद रखना चाहिए या फिर कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जब चले जाएंगे तो शायद हम लोग उनको बहुत याद रखेंगे। खैर उसके बाद हम लोग को प्रेजेंट में लाया जाता है। एंड वहाँ पर जो हाना रहती है वो बेसिकली देख रही होती है कुछ लड़कों को जो कि उस मैम के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड उनको देख कर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि आखिर उस चुड़ैल में ऐसा है क्या। तभी हम लोग को देखने को मिलता है आगे चलकर इन दोनों की टक्कर हो जाती है। एंड उसके बाद वो उसको देखने लगती है यानी कि लड़की को। एंड वो सोचती है कि इसका जो परफ्यूम है कितना ज़्यादा अच्छा महक रहा है, शैम्पू की भी स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी है, शायद इसलिए लड़के इसको इतना ज्यादा पसंद करते हैं। खैर इन लोग के टकराने की वजह से कुछ पेपर्स नीचे गिर गए थे। तभी हम लोग को दिखा जाता है अपना दूसरा मेन करेक्टर यानी कि मागी, वहां पर आ जाता है, लड़के का नाम ये। एंड वहां पर जितने पेपर्स वगैरह रहते हैं वो उठाने में मदद करता है एंड उन मैम की बेसिकली मदद कर देता है। तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो भाई ये अपना दूसरा मेन हीरो। एंड यहाँ पर हम लोग को दिखा जाता है इन दोनों की, जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड यहाँ पर कह सकते हो कुछ तो होने वाला है इन दोनों के बीच में, शायद हम लोग को आगे पता चले। खैर बाद में दोनों आपस में बात करते हैं। उसका हम लोग को पता चलता है कि यार जो मागी रहता है सारी चीजें बताता है कि जो लड़की आने की मिसेज अकाने हैं वो मेरे को पहले पढ़ाई करती थी जूनियर हाई में, वो मेरी बेसिकली ट्यूटर थी एंड मुझे विश्वास नहीं होता आज भी कि वो इसी हाई स्कूल में आकर मेरी टीचर बन गई है। ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा अजीब रहती। एंड हम लोग को पता है कि यार यहाँ पर उस लड़की की भी स्टोरी कुछ ऐसी है कि उसके भैया भी इस स्कूल में आ गए एंड ये जो उसके भैया एंड जो उसकी मिस अकाने यानी कि वो जो दूसरी टीचर है वो दोनों आपस में प्यार करते हैं। एंड तुम लोग को पता है कि वो जो लड़का है वो अपनी बड़ी कह सकते हो जो ट्यूटर है उनको प्यार करता है एंड भाई जो ये लड़की है वो जो हम लोग को सेंसर दिखा गया उनको पसंद करती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा माजरा है एंड हम लोग को दिखाया जाता है कि यार ये दोनों ही एक दूसरे को ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। एंड वो लड़की कहती है कि ये सारी चीज़ें कितनी अजीब है, मैं इन दोनों को और नहीं देख सकती, मुझे भूख लग रही है, चलो यहाँ से। खैर नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जो अपना मागी जो रहता है वो बेसिकली वीडियो गेम्स वगैरह खेल रहा होता है। वो जो लड़की रहती है बोलती है कि यार मेरे को स्कूल क्विट करने का मन कर रहा है एंड ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा अजीब हो चुकी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जो हाना रहती है गले पकड़ लेती है मागी को एंड उसके बाद वो उसकी तरफ देखने लगता है एंड जो मागी रहती है वो नीचे देखने लगती है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है वो बोलती है कि क्या तुम उदास हो मूगी, मतलब यार अच्छा मूगी नाम था यार, मैं इसको मैगी मागी बोल रहा था अभी तक, चलो ठीक है यार सही कर लेना तुम लोग, मतलब ठीक है यार मुझसे भी गलती हो जाती है। एंड उसका हम लोग को देखने को मिलता है वो बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे को अपना बड़ा भैया समझो। एंड उसका हम लोग ये सारी चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि भाई ये दोनों एक दूसरे का बस यूज़ कर रहे हैं, मतलब जैसे कि मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि जो अपनी मेन करेक्टर है फीमेल वाली यानी कि हाना वो अपने सेंसर को पसंद करती है एंड जो हम लोग का दूसरा मेन करेक्टर यानी कि मूगी वो पसंद करता है अपनी फीमेल टीचर को। एंड ये दोनों एक दूसरे का यूज़ करते हैं क्योंकि इन लोग को उन लोग की याद आती है, मतलब तुम लोग समझ गए ना यार, मतलब मॉडर्न भाषा में बोलूँ या फिर जो कि मेरे ख्याल से सही भी रहेगा फ्रेंड विद बेनिफिट्स तुम लोग कह सकते हो, तो हम लोग को ये चीज़ दिखाई जाती है। एंड उसके बाद ये लोग एक दूसरे से मिलना जुलना चालू कर देते हैं एंड लेकिन ये दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि भाई ये लोग एक दूसरे से कभी प्यार नहीं करेंगे रियल वाला, बस एक दूसरे का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हो हम लोग का एपिसोड 1 खत्म होता है एंड तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो भाई प्रॉमिस हो चुकी, लेकिन ये प्रॉमिस कितना लंबा चलता है वो जानने के लिए आपको देखते रहना पड़ेगा इस एपिसोड के बाद का अगला एपिसोड एंड उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना इस चैनल को अगर तुम लोग को ये कॉन्टेंट अच्छा लगा है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।